गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। उम्मीद करते हैं आप लोग सभी बहुत अच्छे होंगे। माँ सरस्वती कंप्यूटर सेंटर में आप सभी का स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे एमएस एक्सेल में अगर आपके पास इस तरह का डेटा हो जिसमें नेम और क्लास एक ही साथ लिखा गया है, मतलब कि आपका कोई अलग अलग सेपरेशन नहीं किया गया है और आपको बताया जाता है कि उसको सेपरेट करना है, तो आप कैसे करेंगे? जी हाँ, नंबर और टेक्स्ट को हम लोग अलग कैसे करेंगे एमएस एक्सेल में, इसके लिए कौन सा ट्रिक अप्लाई करेंगे, आज के टॉपिक में हम लोग इसी चीज को सीखने वाले हैं। तो बिना समय को नष्ट किए चलते हैं अपने कंप्यूटर स्क्रीन की ओर और देख लेते हैं एमएस एक्सेल में नंबर और टेक्स्ट को हम लोग कैसे सेपरेट कर सकते हैं। सो लेट्स गो। जैसे कि हम लोग आ गए हैं एमएस एक्सेल के वर्कशीट पर और आप लोग देख रहे हैं यहाँ पर एक डेटा है जो कि इसमें देखिए कुछ भी सिस्टमेटिक ढंग से नहीं है। जैसे कुछ नेम लिखा हुआ है, उसका क्लास लिखा हुआ है, यहाँ पर कुछ नाम, यहाँ फिर कुछ क्लास लिखा हुआ है और हम लोग चाहते हैं कि ये नेम की जगह में नेम आ जाए और क्लास की जगह में क्लास आ जाए, तो वो कैसे पॉसिबल है एमएस एक्सेल में, आज के टॉपिक में हम लोग इसी को जानने वाले हैं। तो सबसे पहले देखिए हम लोग इसको सिलेक्ट कर लेंगे, जहां तक डेटा लिखा हुआ है वहां तक सिलेक्ट कर लीजिए और सिलेक्ट करने के बाद आप सिंपल सा अपने कीबोर्ड से प्रेस कीजिए कंट्रोल के साथ जी बटन। जैसे आप कंट्रोल के साथ जी बटन प्रेस कीजिएगा तो आपके सामने इस तरह का एक विंडो ओपन हो जाएंगे। आपको इस पे सिंपल सा क्या करना है, यहाँ पर आपको स्पेशल ऑप्शन, चलिए मैं थोड़ा सा जूम कर देता हूँ ताकि आपको अच्छा से देखने को मिले। देखिए यहाँ पर स्पेशल ऑप्शन लिखा हुआ है, तो आपको इसमें सिंपल सा क्लिक करना है। जैसे आप इसमें क्लिक कीजिएगा तो आपके यहाँ पर गो टू स्पेशल का एक विंडो ओपन होकर नजर आएंगे, ओपन हुआ। तो इसमें से आपको जो करना है वो कॉन्स्टेंट्स वाले जो सेक्शन है इसमें आपको क्लिक करना है। जैसे आप इसमें क्लिक कीजिएगा तो आपको देखिए ये फॉर्मूलास वाले जो सेक्शन है जिसमें नंबर, टेक्स्ट, लॉजिकल एरर्स, ये सारे आपका हाईलाइट हो जाएंगे। जैसे आपका कमांड्स में था तो सब ये सब हाईलाइट नहीं था, लेकिन जैसे आपने कॉन्स्टेंट में क्लिक किया तो ये सब देखिए हाईलाइट होना शुरू कर दिया। तो अभी मान लीजिए हम लोगों को जो ऐसे कि हम लोग देख रहे हैं नेम वाले सेक्शन को हमको लेना है, हम चाहते हैं नंबर में से नेम को हम यहाँ पर रखना चाहते हैं, सेपरेट करना चाहते हैं, तो सिंपल सा हम लोग नंबर टेक्स्ट को छोड़ के बाकी सबको अनचेक कर देंगे। अनचेक करने के बाद सिंपल सा ओके कर दीजिए। जैसे आप ओके में क्लिक कीजिएगा तो देखिए इसमें जितने भी टेक्स्ट लिखा हुआ है वही आपका सिलेक्टेड है और जितना नंबर वाले सेक्शन है वो आपका देखिए हाईलाइट सिलेक्टेड नहीं है। बस आपको इसमें करना क्या है, आप कंट्रोल सी से इसको कॉपी कर लीजिए, बस इतना ही करना है। देखिए कंट्रोल सी जैसे हमने किया तो कंट्रोल सी से देखिए नेम के साथ जितना भी नाम लिखा हुआ है वो सारे आपका यहाँ पर आ गए। अब आपको सिंपल सा क्या करना है, आपको यहाँ पर रखना है और देन कंट्रोल वी के साथ पेस्ट कर देना है। तो देखिए आपका यहाँ पर जितना भी नाम था सारा आ गया यहाँ पर, है ना। अभी आपको मान लीजिए क्लास रखना, तो क्लास को सेपरेट करने के लिए तो क्या करेंगे हम लोग, यहाँ पर इसको पूरा को डेटा को सिलेक्ट कर लेंगे। देखिए चलिए हम लोग पूरा डेटा को सिलेक्ट कर लिए, कंट्रोल के साथ जी बटन प्रेस करेंगे और यहाँ पर सिंपल सा हम लोग स्पेशल ऑप्शन में क्लिक करेंगे। जैसे आप स्पेशल ऑप्शन में क्लिक कीजिएगा यहाँ से कॉन्स्टेंट को क्लिक करना है और सिर्फ नंबर को छोड़ के बाकी सबको आपको अनचेक कर देना है, सिर्फ नंबर को आपको चेक रखना है। देन ओके में क्लिक करेंगे तो देखिए जितने भी नंबर है वो आपका सिलेक्टेड है। देन इसको कंट्रोल सी से कॉपी कर लीजिए। देखिए जैसे मैंने कंट्रोल सी किया तो सिर्फ देखिए जो नंबर है वही सिर्फ कॉपी हो रहा है। अब सिंपल सा आप क्लास के घर में आइए और इसको पेस्ट कर दीजिए, तो देखिए कितने सुंदर से आपका देखिए नेम की जगह नेम आ गया, क्लास की जगह में क्लास आ गया। तो ये था आज के टॉपिक में और अब आप इसको जो है आप इसको बॉर्डर लगा सकते हैं, चलिए मैं बॉर्डर लगा देता हूँ, इसको जगह पर सेट कर सकते हैं, चलिए जगह पर भी सेट हो गया ये। तो ये था आज के टॉपिक में, उम्मीद करेंगे कि आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा होगा, समझ में आ गया है। वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक शेयर और कमेंट अवश्य कीजिए और चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिए। तो आज के लिए मेरा वीडियो इतना ही है, जय हिंद।